निकलेगा। ये पानी पूरा भर चुका है गलियों के अंदर, बहके जा रही है। ये देखो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जिला पुंछ के सब डिवीजन सुरनकोट से सामने आ रही है, जहां पर मूसलाधार बारिश के बाद फ्लैश फ्लड की वजह से दुकानों को, रिहायशी मकानों को और गाड़ियों को शदीद तौर पर नुकसान हुआ है। अभी तक जो जराया की जानिब से और लोकल्स की जानिब से, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से जानकारी फराहम की गई है, उस जानकारी के मुताबिक सुरनकोट प्रॉपर टोन के पुलिस स्टेशन सुरनकोट से लेकर हाड़ी मोहल्ला तक और खसूसी तौर पर इकबाल नगर में पानी की वजह से जो शदीद और मूसलाधार बारिश के बाद नाले से चढ़ आया, उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। जराया के मुताबिक पुलिस स्टेशन में के नज़दीक से एक नाला सुरनकोट टाउन में गुजरता है और एक नाला बस स्टैंड के नज़दीक से गुजरता है, और इन दोनों नालों में तेज़ और मूसलाधार बारिश के बाद काफ़ी पानी चढ़ आया था, और इन दोनों नालों का पानी जब एक साथ मिला और उसके बाद ये पानी खसूसी तौर पर इकबाल नगर के इलाके में ज़्यादा नुकसान कर गया। इसके साथ साथ पुलिस स्टेशन से लेकर जिस तरीके से हमने बताया हाड़ी मोहल्ला तक इस पानी ने नुकसान पहुंचाया है, तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, दुकानों में पानी गया है, खसूसी तौर पर मेडिकल स्टोर्स की काफ़ी तस्वीरें आपने देखी भी होंगी और आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इसके साथ साथ वहां के लोगों ने यह बताया है टेलीफोनिकली कि रिहायशी घरों में पानी घुस आया है, और उसके बाद खसूसी तौर पर नौजवानों ने पहले वहाँ रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और उसके बाद वहाँ लोगों को घरों से निकाल कर छतों पर लाया, और अभी भी हमारी बात लोगों से हुई, उन्होंने ये बताया कि अभी भी काफ़ी लोग घर के छतों पर हैं चूँकि पानी घरों में घुस आया है। तो काफ़ी नुकसान हुआ है ज़िला पुंछ के सब डिवीज़न सुरनकोट में, और सिर्फ ये तेज़ बारिश की वजह से, नाले के पानी के चढ़ने की वजह से हुआ है। इसके साथ साथ जो अतराफ के इलाके हैं, खसूसी तौर पर जो बाईपास रोड है सुरनकोट की, वहाँ पर भी स्लाइडिंग के हवाले से खबर आ रही है, और बाईपास रोड पर बताया ये जा रहा है कि एक नाला वहाँ से गुजरता है, उसमें भी मलबा आया जिसके बाद रोड ब्लॉक हुई है। तो कुल मिलाकर तेज़ बारिश, मूसलाधार बारिश की वजह से ज़िला पुंछ के सब डिवीज़न सुरनकोट में इस वक्त शदीद नुकसान हुआ है, काफ़ी लोग सफ़र हुए हैं, गाड़ियाँ जो हैं वो बह गई हैं, बाइक्स और गाड़ियों के फ़ोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बह गए हैं, रिहायशी मकानों को और दुकानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इसके साथ साथ लोगों ने ये बताया है कि ड्रेनेज सिस्टम का वहाँ पर फॉल्ट है और उस वजह से जो है ये सारा मामला पेश आया है, लेकिन अभी इस हवाले से हम सही तरीके से आपको नहीं बता सकते कि क्या वजूहात रही हैं, लेकिन लोगों की कंप्लेंट ज़रूर ये है कि ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पर सही नहीं है। कुछ लोगों का ये कहना है कि मकान भी सही तरीके से नक्शे के मुताबिक नहीं बने हैं, लेकिन जो भी वजूहात हैं, अब इस वक्त जो नुकसान हुआ है की भरपाई कौन करेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अभी इस वक्त तो सुरनकोट में एसेस कर रहे हैं कि कितने लोगों का नुकसान हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, और कोशिश ये की जा रही है कि इस सिचुएशन से लोगों को निकाला जा सके और सही और सालिम तरीके से निकाला जा सके। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से हमारी अभी तक बात इस वजह से भी नहीं हो पाई है क्योंकि तमाम ऑफिसर्स इस वक्त मौका पर मौजूद हैं और बात करना उनके लिए अभी मुश्किल है, और तमाम जो नुकसान हुए हैं उस हवाले से बात करना भी एडमिनिस्ट्रेशन के अभी इसलिए मुश्किल है क्योंकि अभी एक्सेस किया जा रहा है कि कितना नुकसान हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर बहुत ज्यादा नुकसान सुरनकोट में हुआ है। और ये इस बार ही नहीं हुआ है, माजी में भी सुरनकोट बाजार में पानी ने नुकसान किया है, दुकानों में गया है, रिहायशी मकानों में गया है। इसके साथ साथ तहसील मंडी में भी स्लाइडिंग हुई है, तो जिला पुंछ के अलग अलग जगहों से खबरें आ रही है कि स्लाइडिंग हो रही है, तेज बारिश के चलते, मूसलाधार बारिश के चलते नुकसान पिछले कुछ दिनों से हो रहे हैं, लेकिन जब बारिश रुक जाती है उसके बाद मौसम साफ होता है तो कहा यह जा रहा है कि वो दिन ज़्यादा क्रूशल होते हैं, उस वक्त लैंडस्लाइड होने के ज़्यादा इम्कान होते हैं। इस वक्त की अहम खबर ज़िला पुंछ के सब डिवीज़न सुरनकोट से यही आ रही है कि पानी चढ़ आने की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, और उस नुकसान की जद में दुकानें हैं, मकान हैं, गाड़ियाँ हैं, और क्या क्या नुकसान सही तौर पर हुआ है उसका सही तौर पर एक्सेस लगाने के बाद ही इंतज़ामिया के आला ऑफिसरान से बात कर ही आप तक खबर पहुंचाएं। मुझे दूर लगी दुकान, और दुकान दूर लगी।